A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Ziva Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying about proposal writing for class 11 and 12 ISC. ये proposal writing का तीसरा video है and I would suggest कि आप English language की playlist में जा करके ये तीनों ही videos देखना because all three are equally important in their own way. ये जो प्रपोजल है दिस इज द स्पेसिमेन 2024 वाला प्रपोजल. आई ऑलरेडी टोल्ड कि हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव यू 1-2 घंटे वाला बिग वीडियो इन दैट केस. तो ये प्रपोजल राइटिंग का वही वाला क्वेश्चन है जो 2024 के स्पेसिमेन पेपर में आया था. द क्वेश्चन सेज, As a member of the drama club of the XYZ school, you have been given the responsibility of organizing an inter-school play competition. Write a proposal in not more than 150 words outlining the steps you would take to make this event a success. Okay, so what things you need to remember? सबसे पहला है कि ये जो है ये drama club ऑर्गेनाइज करा रहा है. दूसरी चीज की क्या ऑर्गेनाइज करा रहा है, दैट इज इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन. अब सबसे पहले हम लोग इसकी हेडिंग मेंशन करते हैं, दैट इज प्रपोजल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन. ठीक है, नाउ कम्स हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन. आई हैव टोल्ड दिस टू यू मेनी टाइम्स कि हेडिंग और इंट्रोडक्शन देखो दो, सिर्फ इतना, अगर इन केस You have issues with writing this also. सिर्फ इतना समझो कि अगर एक बच्चा प्ले कर रहा है, हम अगर प्ले कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मतलब आप प्ले कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो हाउ यू विल डू दैट, आपके लिए वो कैसे बेनिफिशियल होगा. अब जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसी में लिखोगे, ठीक है, और उसी का ही कुछ हिस्सा उठा करके यहाँ पर लिख देना. पर्पस इज रिटन हेयर कि भाई स्टूडेंट्स विल गेट टू नो द ड्रामेटिक स्किल्स. अब उन स्किल्स से उनका क्या फायदा होगा, दैट यू विल राइट इट इन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू विल राइट इज टू डेवलप, नाउ दिस इज वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स, टू डेवलप ड्रामेटिक स्किल्स. ऑब्वियसली हम लोग प्ले कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो टू डेवलप ड्रामेटिक स्किल्स एंड प्रमोट एक्टिंग एबिलिटी. ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई, ठीक है, ये हो गया एक्टिंग एबिलिटी. अब ये जो पार्ट है दिस इज एक्टिव एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, ये मेरा एक टॉपिक हो गया. मतलब कि दो पॉइंट आपको लिखने हैं हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन में, ठीक है. उसके बाद है एंड, अब ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये इसको और इसको एक ही मानना, एक ही कंसिडर करना, टू डेवलप ड्रामेटिक स्किल्स एंड प्रमोट एक्टिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स. और उसके बाद दूसरा है एंड टू ब्रिंग स्टूडेंट्स, एंड टू ब्रिंग टुगेदर. ऑब्वियसली आप इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन करवा रहे हो तो देयर विल बी मल्टीपल स्कूल्स, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, students from different schools and provide them, ye sirf and provide them with a platform to showcase. शोकेस हो गया, फ्लॉन्ट हो गया, यू कैन यूज अ वर्ड फ्लॉन्ट हियर, एफ एल ए यू एन टी, विद अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट. ओके, अब ये बहुत ही ज्यादा जनरल सा हेडिंग या इंट्रोडक्शन है. जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें आप ये जो लास्ट वाली लाइन है, अगर इंटर स्कूल लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो. ऊपर वाला जो है वो स्पेसिफिक है, प्ले के लिए इसको रख लो, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स स्किल्स आ जाएगा, या फिर फिजिकल से रिलेटेड आ जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी फिजिकली एक्टिव. ठीक, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, टू डेवलप ड्रामेटिक स्किल्स एंड प्रमोट एक्टिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, एंड टू ब्रिंग टूगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड प्रोवाइड देम विद अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट. ये उनका मेन सबसे पहला वाला हेडिंग या इंट्रोडक्शन होगा. अब हो जाएंगे बेनिफिट्स. बेनिफिट्स के बाद जो लिस्ट ऑफ मेजर्स है वो हमने लिखा हुआ है इसमें.
ठीक है, बट ये दोनों चीजें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, आई फील लाइक दैट। तो ये ओके, तो नेक्स्ट यू विल राइट इज द इंटर स्कूल। अब ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को, तो द इंटर स्कूल यू विल राइट कि आपका है मतलब व्हाट कंपटीशन इज दैट। जैसे जो इसका स्पेसिमेन दिया हुआ था उसमें साइंस क्लब के बारे में लिखा था, तो वैसे ही करके द इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन ओके विल प्रमोट, ये क्या है स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा। इट विल प्रमोट एंड एनकरेज स्टूडेंट्स, एनकरेज इंटरेस्ट या स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन ड्रामेटिक्स, ठीक है, देन ड्रामेटिक्स, इंटरेस्ट इन ड्रामेटिक्स अमंग स्टूडेंट्स। ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू राइट टू सच, आपको मिनिमम दो लिखने, ये सॉरी मैक्सिमम दो लिखने। इट एम्स टू फॉस्टर, अब इससे होगा क्या उनके अंदर, इट एम्स टू फॉस्टर, फिर से लिख देते हैं, गंदा लग रहा है, ठीक है। फॉस्टर मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। फॉस्टर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब सेल्फ एक्सप्रेशन इन द सेंस कि एटलीस्ट दूसरे के फॉलो नहीं करेंगे, इफ दे पार्टिसिपेट दे विल लीड देमसेल्व्स, वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू एग्जिबिट देयर टैलेंट एंड पैशन फॉर एक्टिंग। इट एम्स टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क, क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड सेल्फ एक्सप्रेशन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, और टू एग्जिबिट, ये साथ ही में आप लिख सकते हो या फिर से लिख सकते हो उसको, एग्जिबिट देयर पैशन। टैलेंट वाला पार्ट हो गया, तो अब हम सीधे पैशन वाला लिखेंगे, देयर पैशन फॉर एक्टिंग। ओके, नाउ दिस मच इज डन। अब आता है, ये हो गए मेरे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स अगेन, हाउ इट विल बेनिफिट द स्टूडेंट्स, तो वो आपको इसमें लिखना है। फिर आते हैं मेरे लिस्ट ऑफ मेजर्स। अब लिस्ट ऑफ मेजर्स में मिनिमम देयर शुड बी फोर, आई हैव रिटन मेनी। सबसे पहले उसमें है स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पर भाई होगा, प्लेस यू हैव टू राइट ना। तो देखो डेट विल नॉट बी मेंशन देयर, क्योंकि डेट इज समथिंग कि आप अभी प्रपोज कर रहे हो कि ठीक है ये होना चाहिए, ठीक। तो स्पेसिफिक डेट आई हैव नॉट मेंशन। द स्कूल ऑडिटोरियम विल बी यूज्ड टू होस्ट द कंपटीशन, इट विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट वीक या इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। तो प्लेस और डेट या टाइम अराउंड आसपास का लिखा हुआ है इसमें। देन थीम्स विल बी डिसाइडेड अपॉन विच ऑल पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये जो प्ले है इट विल डिपेंड ऑन अ थीम जो दे दिया जाएगा, एंड द पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स हैव टू इनकॉर्पोरेट इन टू देयर वन एक्ट प्लेज। हर स्कूल एक ही एक्ट करेगा, वन एक्ट विल बी देयर और वही थीम उनको उसमें यूज करनी है। गाइडलाइंस विल बी गिवेन रिगार्डिंग, उनको गाइडलाइंस दे दी जाएगी कितना ड्यूरेशन है, लैंग्वेज कौन सी है, कंटेंट कैसा होना चाहिए परफॉर्मेंस का। ओके, तो दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू देम। नाउ पार्टिसिपेट इसमें कौन कर सकता है, पार्टिसिपेशन विल बी ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ड्रामा क्लब फ्रॉम क्लास 6 to 8। जितने स्टूडेंट्स पहली चीज ड्रामा क्लब के हैं वो, ठीक है, अलग अलग काइंड ऑफ क्लब हो सकते हैं, नेचर क्लब, एनवायरमेंट क्लब, देन कल्चरल क्लब। तो यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लब रखा हुआ है, एंड द क्लब प्रेसिडेंट मिस्टर सिन्हा आर को करिकुलर इंचार्ज विल हेड द कॉम्पिटिशन, कि ये जितनी भी चीजें होंगी ये उनके गाइडेंस के अंदर होंगी। फिर लिखा है इनविटेशन विल बी सेंड टू वेरियस स्कूल्स इन द सिटी, इसी सिटी के बहुत सारे स्कूल्स को इनविटेशन जाएगा सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन स्कूल्स प्रीवियस ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कि भाई बहुत सारे स्कूल्स को इन्विटेशन जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी स्कूल विल कम एंड पार्टिसिपेट। तो दैट डिपेंड्स कि देयर ओन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्लस उनकी खुद की इच्छा है भी कि नहीं, हो सकता है वो लोग खुद मना कर दे।
Then trophies and certificates will be awarded to the top performing schools and individuals. हमने फीस इसमें नहीं रखी है, ठीक है? फीस आई हैव नॉट मेंशनड. आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो. वैसे तो ये देखो, साइंस क्लब की अगर बात की जाए, जो वो था स्पेसिमेन था, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन अ वीडियो. तो वहां पर देयर वाज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि वो एक क्लब के अंदर था. अब इसी क्लब के अंदर एक ही एक्टिविटी है, तो हाँ, यू कैन मेंशन द लिस्ट ऑफ छोटा छोटा सा पार्ट उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन का. तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप उसमें मेंशन कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू. आई हैव नॉट मेंशन क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स हो गए थे. ओके, आफ्टर दैट यू विल राइट अ कंक्लूडिंग राइट लाइन दैट वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट द इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन बिकम्स अ रियालिटी इन द लाइफ ऑफ स्कूल. या फिर इसकी जगह पर इसको हटा करके, ये तो सीधे सीधे वही वाला ही था जैसे स्पेसिमेन ने दिया होता. क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देयर इज रिटन कि टू मेक दैट यू वुड टेक टू मेक दिस इवेंट अ सक्सेस. तो यहाँ पर इसी को ही, इसी लाइन को यहाँ पर आप लोग चेप सकते हो. एज वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट इंटर स्कूल प्ले कॉम्पिटिशन बिकम्स, या ये वाला जो इवेंट है दैट बिकम्स अ सक्सेस, या फिर सो या देखो ये इट बिकम्स अ सक्सेस इन द लाइफ ऑफ अ स्कूल, अ रियलिटी इन द लाइफ ऑफ अ स्कूल, और बिकम्स अ मेगा इवेंट. ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन इवेंट, दिस इज नॉट अ बिग थिंग, छोटा सा कॉम्पिटिशन है, बट येस इंटर स्कूल है. प्ले कॉम्पिटिशन बिकम्स अ मेगा इवेंट इन द लाइफ ऑफ स्कूल. ओके, नाउ दिस मच इज ओके. नाउ दिस इज ऑल फॉर टूडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कुछ नहीं समझ में आया इसमें से तो पूछ लेना. कीप प्रैक्टिसिंग योर प्रपोजल राइटिंग्स. कुछ और भी है तो यू कैन मेंशन इट. कोई और ऐसा प्रपोजल है दैट यू फाइंड इट डिफिकल्ट, देन यू कैन मेंशन इट. आई विल सॉल्व इट हियर. एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.